नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। अमरपुर शहर के वार्ड नंबर 8 में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक अखिलेश उर्फ अंजनी कुमार बताया गया। घटना को लेकर मृतक युवक की मां शिया देवी ने बताया कि सोमवार की सुबह बेटी को चाय पिलाकर वहियार चली गई थी। वापस आने के बाद देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है और बेटा सोया हुआ था। बेटे को जगाने गई तो देखा कि बेटे की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर अमरपुर थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक रामशंकर सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि मृतक काफी मृदुल स्वभाव के व्यक्ति थे। प्लम्बर का कार्य कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे थे। मृतक की पत्नी व इनके पुत्र मायके गए हुए थे। अब इनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, यह सवाल ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है। वहीं वार्ड पार्षद शंकर महतो मृतक के परिवार को संतावना देते हुए पुलिस कर्मियों से युवक की स्वाभाविक मौत होने की बात कही। परिवार के अनुरोध पर सबका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। कि ये चाय पिया था सुबह, चाय पी के खैनी खा के उसके बाद इसकी माँ चलेगी गेहूँ काटने के लिए, ये घर में जाके सो गया। सोने के उपरांत फिर आया ये उसकी मम्मी आई काट करके, तो आवाज दिया, गेट वेट खुला था तो आवाज दिया अंजनी अंजनी अंजनी, तो आवाज दिया नहीं वो, तो फिर ढूंढे तो देखे अंदर में सो रहा, तो जगाया नहीं, जगा नहीं, जगने के बाद ये हल्ला करने लगी, दो चार को बुलाया, उसके बाद बाहर निकला। प्रखंड के अंतर्गत विनोबा नगर गांव के राजमिस्त्री दिनेश तांती, पिता किशुन तांती, जो बगल के घरों में छत के ऊपर काम कर रहे थे, पिलर ढलाई के लिए पिलर खड़ा करने के क्रम में लोहे का रट तार में सट जाने से राजमिस्त्री को करंट लग गया, जिसे देखकर बगल के गांव के लोगों ने तुरंत उठाकर नजदीकी स्वास्थ्य मेडिकल में लाया गया। इलाज के बाद मिस्त्री की हालत खतरे से बाहर है। बांका जिले के धौरैया में तेज पछुआ हवा चलने के कारण आगजनी की घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में धौरैया प्रखंड अंतर्गत घसिया पंचायत के बेलडीहा गांव में शुक्रवार की देर रात लगभग 12 बजे युगल किशोर मिश्रा के घर में अचानक आग लग गई। आग लगी की इस घटनाओं में घर समेत पूरा सामान जलकर सुहा हो गया। पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। साथ ही बगल में मनमोहन शाह, संजय शाह, अजहर शाह के करीब 5 बीघा के पुआल के पुंज में आग लग गई। आग लगने से पूरा पुंज भी जलकर सुहा हो गया। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग मौके पर पहुंची, तब तक पूरा घर जलकर सुहा हो गया था। इस घटना में लगभग लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचकर जिला परिषद सदस्य पुष्पेंद्र सिंह ने तत्काल अपने तरफ से पीड़ित युगल किशोर मिश्रा को खाने पीने व रहने की सामग्री उपलब्ध कराई है। वहीं भिलाई पंचायत के पीपरा गांव के मोहम्मद हलचल घर के आगे फूस से छोनी किए हुए बरांडे में रात करीब 1 बजे अचानक मोटरसाइकिल में आग पकड़ ली, जिसमें बरांडा समेत 2 मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल मोहम्मद सहीद तो दूसरी मोटरसाइकिल मोहम्मद हलचल का था। बताया जाता है कि जिस जगह आग लगी वहां पर एक छोटा दुकान भी था, वह भी जलकर सुहा हो गया। हालांकि सूचना पाकर धौरैया सीओ हंसनाथ तिवारी, जिला परिषद सदस्य पुष्पेंद्र सिंह, बेलदिया व पिपरा गांव के दोनों घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। जिले में बढ़ते अपराध के मामलों के बीच पीट पीट कर मारने की घटना आए दिन विभिन्न प्रखंडों से सामने आ रही है। मामला बाराहाट प्रखंड के मोहनपुर का है, जहां चना चोरी के आरोप में गांव के युवक संतोष सिंह को पीट पीट कर मार दिया गया था, जिसके बाद इसके प्रदेश स्तर के पक्ष और विपक्ष के नेताओं द्वारा इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है और पुलिस के कार्रवाई पर काफी प्रश्न चिन्ह भी उठ रहा है। आखिर क्यों मामले के इतने दिनों बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। बता दें कि संतोष सिंह के आश्रितों से मिले पूर्व में राजद विधायक चेतन आनंद सिंह, कहीं महागठबंधन के नेता और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज सिंह, भाजपा नेता मृणाल शेखर, भाजपा विधायिका श्रेयसी सिंह पहुंच चुके हैं और परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया है। मौके पर भाजपा विधायिका श्रेयसी सिंह के संग पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष विकास सिंह, युवा नेता हिम्मत सिंह, बंटी चौहान समेत दर्जनों नेताओं के समक्ष बाराहाट वीडियो शशि भूषण साहू को सरकारी मुआवजे के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने का निर्देश गोल्डन गर्ल द्वारा दिया गया। हालांकि मामले के संदर्भ में बाराहाट थाना अध्यक्ष एसडी प्रभाकर ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ हेतु सर्च अभियान चलाया जा रहा है,
जल्द ही सभी आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी संवेदनशील घटनाओं से इलाके के सभी प्रबुद्ध जन और बुद्धिजीवी समाज के बीच आक्रोश व्याप्त है। उधर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासेवा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज सिंह का कहना है, यह घटना मॉब लिंचिंग की प्रतीत नहीं होती है, बल्कि यह सुनियोजित ढंग से हत्या का मामला है। इस संदर्भ में उन्होंने जिलाधिकारी और डीएसपी संजय कुमार से मिलकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है, ताकि जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके। देखिए, हमने प्रशासन से भी बात की है, जो बीडीओ थे उनसे भी बात की है, और प्रशासन ने पूरा आश्वासन हमको दिया है कि कार्रवाई हो रही है। आपको पता चला होगा कि अभी परसों दिन ही रेड किया है, जिससे कि जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने जो शंकर जी थे हम लोग के साथ, उन्होंने ये तक आश्वासन दिया है कि रात के 2 बजे 3 बजे कोई भी सूचना है तो वो लोगों को गिरफ्तार करने के लिए खड़े रहेंगे। एक एक बार फोन बज रहा है और वो फोन पे काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। कुछ मोबाइल नंबर दिए गए हैं जिससे शायद हाल फिलहाल में धमकी आई थी, उन्हें भी ट्रेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बांका जिले के विकास का द्वार खुलेगा, ऐसा संकेत बाराहाट में देवघर जाने के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने दी। वे कुछ समय के लिए बांका के बाराहाट में ठहरे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा, बांका में विकास की असीम संभावनाएं हैं, जरूरी है यहां के विकास कार्यों को सही दिशा देने की। इस मंदराचल नगरी ने अपने दामन में ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर को समेटे रखा है, जिसके विकास के लिए सरकार विशेष रणनीति तैयार कर उसे धरातल पर उतार रही है। इसके तहत यहां पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी तलाशे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही बांका का दौरा कर यहां के ऐतिहासिक पौराणिक धरोहरों की जानकारी लेकर जिले के विकास पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, नीति सरकार के कार्यकाल में बिहार ने विकास के कई नए आयाम को हासिल किया है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।